पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी कर रहा है, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर। और शायद एशियन क्रिकेट के लिहाज से ये एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि एशिया कप का आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और एशिया कप इस साल 31 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक खेला जाएगा। और अभी अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो ईमेल किया उसके हिसाब से जो पाकिस्तान मांग रहा था, यानी कि हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान होस्ट है लेकिन पाकिस्तान चाहता था एक हाइब्रिड मॉडल हो जहां पर पहले चार मैचेस इस टूर्नामेंट के पाकिस्तान में हो, बाकी मैचेस वो चाहते थे न्यूट्रल वेन्यू में, उस चीज़ के लिए अग्रीमेंट हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान पहले ये कह रहा था कि सारा एशिया कप पाकिस्तान में हो, फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है हाइब्रिड कर देते हैं, कुछ मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएं और कुछ मैचेस जो है वो चाहते थे कि दुबई में हो, दुबई तो नहीं लेकिन श्रीलंका को वेन्यू दूसरा अनाउंस किया गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सेटलमेंट है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें इज्जत रह जाती है क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल में कुछ मैचेस जब पाकिस्तान में हो जाएंगे तो फिर ये एक मैसेज भी जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। और चूंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता था तो उसमें इंडिया का कोई मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। तो जो अभी अभी ईमेल आया है मैं उसका आपको बता दूं कि उसमें क्या आया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ही ये ईमेल किया है। उन्होंने कहा कि जी वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट द एशिया कप विल बी held from 31st August till 17th of September, यानी कि 18 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। एंड विल सी ऑल द लीड टीम्स, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, 13 मैचेस कुल हैं इंक्लूडिंग द फाइनल। द टूर्नामेंट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टूर्नामेंट विल बी होस्टेड इन अ हाइब्रिड मॉडल विद 4 मैचेस बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान एंड द रिमेनिंग 9 मैचेस बीइंग प्लेड इन श्रीलंका। तो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था चार मैचेस जो हैं वो इस टूर्नामेंट का आगाज पाकिस्तान से होगा, उसमें पाकिस्तान का अपना मैच भी है और बाकी टीमों के मैच, इंडिया का मैच नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद एज इट इज वो कारवा उठेगा और श्रीलंका आ जाएगा जहां पे फाइनल को मिला के 9 और मैच खेले जाएंगे। उसमें ये लिखा है कि जी 2 ग्रुप्स होंगे जो हमेशा होता है, विद 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाइंग फॉर दी सुपर 4 स्टेज, यानी कि हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 में जाएंगी। द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम दी सुपर स्टेज सुपर 4 स्टेज विल देन फेस ऑफ इन दी फाइनल। बिल्कुल जो पिछला एशिया कप दुबई में हुआ था उसी तरह से है। एंड ये मुझे लगता है कि इम्कान बढ़ जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछली बार हमने 3 मैचेस एक्सपेक्ट किए थे, 3 मैचेस होप किए थे लेकिन 2 ही हो पाए थे। क्यों? क्योंकि लीग मैच जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और सुपर 4 में आके पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था, इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा था, वो श्रीलंका जीत गया था और भारत नहीं पहुंचा था फाइनल में। तो इस बार अगर चूंकि ये 50 ओवर का एशिया कप है, वर्ल्ड कप से ठीक पहले है, तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए ये एक टसल भी होगा, ये एक तैयारी का मौका भी होगा। क्योंकि पहले जब इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस होते थे तो एक एक मैच को लेकर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होता था, वो दबाव प्लेयरों पर नहीं होता था। अब अगर आप ये उम्मीद करें कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले 3 मैच इंडिया पाकिस्तान के हों, इंक्लूडिंग द फाइनल्स, अगर दोनों टीमें पहुँचती हैं तो ये प्रेशर थोड़ा कम भी करता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो पाकिस्तान ने चाहा था उस हिसाब से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता था इनिशियली कि सारा एशिया कप पाकिस्तान में हो, इंडिया के ऑब्जेक्शन से इंडिया पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था। फिर पाकिस्तान का बी प्लान था कि जी कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवा के आप दुबई में बाकी मैचेस कराएं, तो उसमें भी बाकी मुल्कों ने कहा कि गर्मी बहुत होगी, 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले हम एक महीना पहले रिस्क नहीं ले सकते दुबई में। श्रीलंका एक बैकअप वेन्यू के तौर पर, हाइब्रिड मॉडल में एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर सामने आया था और इसकी अग्रीमेंट हो गई है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान होस्ट है, वो अपने 4 मैच पाकिस्तान में तो कराएगा ही लेकिन बाकी 9 मैचेस जो श्रीलंका में हैं वो भी होस्ट पाकिस्तान ही होगा। और स्टेजिंग फीस आप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को देंगे, जैसे इससे पहले भी जो न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप हुए हैं वो होते रहे हैं। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप होगा तो वर्ल्ड कप भी चाहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल में हो, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान सारे बांग्लादेश में खेले, वो हमने आपको पहले भी बताया था पॉसिबल नहीं है, वो होगा भी नहीं। आई थिंक ये एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सूट करता है कि उन्होंने जो मांगा उनको मिल गया एंड नाउ वो अपनी ऑडियंस यानी कि पाकिस्तान के पब्लिक को ये भी कहेंगे कि ठीक है जी इंडिया ने भी हमारी बात मानी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी हमारी बात मानी, हाइब्रिड मॉडल नहीं सही लेकिन एशिया कप के कुछ मैचेस चूंकि पाकिस्तान में हो रहे हैं सो नाउ आईसीसी किसी भी हालत में वो ये नहीं कह सकते कि हाइब्रिड मॉडल में है, हम तो जी वर्ल्ड कप के मैचेस भी बांग्लादेश में खेलेंगे। तो ये अब साफ हो गया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की ईमेल के बाद 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप, 4 मैच पाकिस्तान, 9 मैच श्रीलंका
और वर्ल्ड कप के मैचेस आप जानती हैं कि वो इंडिया में ही होंगे। जमशेद जी ये चाहते थे कि पूरा एशिया कप वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी टीमें आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी खेल कर गई है और इंग्लैंड भी खेल कर गई है और न्यूजीलैंड ने भी उसमें ओडीआई और वनडे भी खेले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में आ रहे हैं, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीसीसीआई नहीं मानी, इसलिए न्यूट्रल वेन्यू वो चार मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी जो श्रीलंका में होंगे और इंडिया भी वहां पे खेलेगा। पाकिस्तान अहमदाबाद में खेलना चाहते हैं, उस पर आगे पीछे जरूर चल रहा है, तो उस पर भी अपडेट्स आती रहेंगी और इस एशिया कप के हवाले से जो खबरें आएंगी वो भी हम आपको थोड़ी देर में तफसील